हेलो फ्रेंड्स, एके कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखेंगे वर्ग करने की, जो हमने बहुत सारे विधियाँ पढ़ चुके हैं, फिर से जो है ना देखेंगे। बहुत शानदार मेथड है जो सभी पर जो है एक मेन कॉन्सेप्ट है, और एक ही कॉन्सेप्ट पर जो मैंने अलग अलग विधि देखे थे विधियाँ, तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं, देखते हैं कि आप यहाँ से एक से लेकर आप हजार तक, लाख तक, 10,000 तक आप निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से जो है ना स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो पहली बात है कि आपको ध्यान देना होगा, जो चीज़ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे वो कॉन्सेप्ट आपको बड़ी ध्यान से समझना होगा, और एक ही कॉन्सेप्ट पर सभी जो है ना कितना हो भी संख्या को वर्ग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट पर जो है ना हम किसी भी संख्या का वर्ग जो है ना देखेंगे। तो पहली बात है कि जो है ना आप जैसे 50 के करीब में जो है ना संख्या जो है ना जो 50 के करीब में जो संख्या को वर्ग कर रहा है तो उसको हम 50 के करीब में लेंगे। 100 के करीब में जो संख्या आएगा तो 100 के करीब में लेंगे। 150 के करीब में आएगा संख्या तो 150 के करीब में लेंगे। और हम साथ में ध्यान देना है कि इसमें गुना 1/200 होता है, इसमें गुना 100 होता है, कैसे होता है आप भी इसको आप नहीं याद कर सकते थे। 50 का जो है ना 50, 100, 150 इस तरह क्रम से, तो 50 क्या होता है, 50 गुना जो होता है एक तब ना होता है 50, तो इसी एक को आधा किया जा रहा है तो 1/2। इसी तरह 50 × 2 = 100 होता है, तो इसी 2 का जो ना आधा किया जा रहा है तो कट के क्या 1। इसी तरह जो है ना अन्न जो है ना 1/3 × 2 = 2, इसी तरह से जो है ना यानी 50 के जितने का मल्टीपल है उसका आप आधा करना पड़ रहा है। तो इस फॉर्मेट में आपका तैयार होगा, यही आपका मेन है। और ये संख्या जितना भी जहाँ तक जाएगा आप उतना करीब लेकर बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देखते हैं कि 48 का स्क्वायर जिसे कैसे होगा, तो आपको पता करना पड़ेगा कि 48 इन संख्याओं में जो है ना इन फॉर्मेट में जो है किसके करीब में है। तो आपको तो वही आसानी से पता चल जाएगा कि 48 50 के करीब में है। तो जहां से आपको जहां से नजदीक पड़ेगा, पहली बात आपको बताए थे 1 से 30 तक जो है स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर यदि याद हो गया तो बड़ी बहुत सारे संख्याओं का जो है ना आगे आगे जो संख्या आएगी उसका आसानी से हम स्क्वायर हम कर पाएंगे। तो जैसे देखिए 48 का जो है ना स्क्वायर करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इन जो है ना टेबल में फॉर्मेट में जो है ना आपको किसके करीब में आ रहा है। जिन संख्याओं के करीब में आता है उन्हीं संख्याओं का आप जो है ना बेस लीजिए उसको। जैसे हम यहाँ पर आप जो है ना आप या हम और कोई भी 50 जो है ना 48 50 के करीब में है, तो आप देखिए 50 से कितना कम है। तो आप बोलिएगा जो है ना 2 कम है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। देखिए स्क्वायर करने के बाद में हमेशा 2 डिजिट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है कि इसका भी रीजन सुन लीजिए कि 100 के जो 100 में कितने शून्य हैं, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य संख्या जो बताता है कि अब स्क्वायर करने के बाद में आपको 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है। जैसे 1000 आएगा तो 1000 में 3 शून्य रहता है, तो उसमें आपको जो उसके करीब में जो संख्या आएगा तो स्क्वायर करने के बाद 3 डिजिट लिखना अनिवार्य होगा, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो एक चीज आप इसमें समझिए कि ये 50 जो है ना, आप देखिए 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का मैंने स्क्वायर किया था 4। 2 अंक लिखना अनिवार्य था इसलिए मैंने 0 लगा दिए। तो अब जो है ना जितना कम रहेगा उतना आपको इस संख्या में घटाना है। तब बोलिएगा 50 से कितना कम है, तो 2 इसमें जो है ना आप घटा दीजिए तो कितना हुआ 46 होगा, होगा कि नहीं 46 होगा। और आपको कितना से गुना करना है 1/2 यानी 2 से भाग करना है, तो 23 × 2 = 46 होता है आपका, कितना 23 और 4 आपका यह आंसर हो गया। तो देखिए कैसे हो रहा है, पहले हमें सोचे है कि 48 का स्क्वायर कैसे होगा। पहले इन टेबल में हमने देखे कि 50 के करीब में है, तो 50 से देखे ठीक है 50 हमारा बेस हो गया, 50 से कितना कम है उसका 2 कम था तो 2 का स्क्वायर किए, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 डिजिट लिखना अनिवार्य है इसलिए मैंने 0 शिफ्ट कर दिए हैं। तो अब जितना कम रहेगा उतना इस संख्या में घटाना है। तो जो ना घटाया तो 46 है, 46 में आपको बताया कि इसके सामने 1/2 है, तो 1/2 जो है ना पढ़ दिया, तो 46 का आधा क्या उतना 23, तो यहाँ पर 23 और 4 आपका आंसर निकल गया। जैसे 39 आप देखिए, तो 39 जो है ना 39 का स्क्वायर करना है। अब देखिए ये भी 50 के करीब में आपको लेना पड़ेगा, तो जो है ना कितना कम है 50 से कितना कम, आप बोलिए कि 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कीजिए
11 के स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होगा, 11 के स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 121, उसमें आपका कैरी कितना बचा एक, आपके दो ही डिजिट लिखना अनिवार्य है। तो अब जितना कम रहेगा इसमें आपको घटाना पड़ेगा, आपको बता रहे कि जितना कम रहेगा जो संख्या के करीब मिले आपको उसमें घटाना पड़ेगा। तो इसमें 11 कम था, 11 आप घटाइए तो कितना हुआ 28 हुआ, हुआ कि नहीं 28। अब आपको जो है ना क्या करना है, आधा यानी 1/2 से गुणा करना है यानी 2 से भाग देना है, तो ये हो गया कितना आपका जो है ना 14 × 2 = 28, 14 है कितना हुआ 15, तो 1500 कितना हुआ 21, 39 का स्क्वायर कितना आपका 1521 हो गया। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से 52 का स्क्वायर करना है, तो 52 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप बोलिए कि इन संख्याओं में जो है ना इन फॉर्मेट में किसके करीब है, तो आप बोलिए 50 के करीब है, तो ठीक है 50 के करीब है, 50 अब जो है ना कम था तो कम देखे थे, अब ज्यादा है तो ज्यादा देखेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है 2 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 0 जो है ना आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, हम पहले बता चुके हैं, और उसमें कम था आप घटाए तो इसमें ज्यादा आपको जोड़ना पड़ेगा, बस वही काम है। तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 54, और आपको जो है ना 1/2 से जो है ना आपको क्या करना है इसमें गुना करना है, 1/2 से क्या गुना करना है यानी आधा हो जाएगा, तो 27 × 54 है, तो 27 से कितना 4 आपका आंसर हो गया। उसी तरह जो है ना 57 का स्क्वायर करना है, तो आप बोलिए कि 50 से करीब में, तो 50 से जो है ना बोलिए कितना कम है, तो आप बोलिए कि जो है ना सॉरी कम ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और जितना ज्यादा है उतना आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 64, 64 जो है ना 2 से आपको भाग करना पड़ेगा तो 32, 32 जो ना हो गया, और कैरी कुछ नहीं है, कैरी आता कमजोर तो आपका जो है कितना हो गया 32 हो कितना 49 हो गया। तो देख रहा है कि इन संख्याओं का स्क्वायर हमने बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे पहले ये चलते हैं 98 का स्क्वायर देखते हैं, 98 के स्क्वायर देखिए, तो आप इन देखिए फॉर्मेट के किसके करीब में लीजिएगा, ध्यान रहे आप जो है ना जिसके करीब में आप ले रहे हैं ना देखिए कि कहाँ से नजदीक है, जहाँ जितना नजदीक रहेगा आपको स्क्वायर उतना ही आप पहले से याद किए हो 30 के अंदर में आ जाएगा, और 50 से लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन 50 उतना देखेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो मान लीजिए कि 35 आएगा 36 उतना तक स्क्वायर, हम बोले थे मिनिमम आपको 30 तक स्क्वायर जो है याद करना है, तो हम देखेंगे कि ये 98 जो है 100 के जो है ना बेस में आ, 100 से अब फायदा क्या है किसी भी संख्या में आप एक से गुना कर दीजिएगा तो उतना ही रहेगा, तो इसलिए एक लीजिए ना लीजिए गुना कीजिए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे कि जो है ना ये 98 100 के करीब में है, तो बोलिएगा कितना कम है, तो बोलिएगा 2 कम है तो 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हुआ, और आपको हर बार बोल रहा है कि अगर 2 डिजिट अपना लिखना जो है ना अनिवार्य है, इसलिए हम 0 शिफ्ट कर रहे हैं। अब 100 से 2 कम, 100 से क्या था 2 कम, तो आपको घटाना पड़ेगा, जितना कम रहा है उतना घटाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 96 होगा, आपको एक से गुना करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 100 के करीब में जितनी भी संख्या लीजिएगा तो उसको आपको बहुत फायदा होगा, सीधे जितना कम है या ज्यादा उसका स्क्वायर कीजिए, जितना कम है ज्यादा बस उसके आधार पर जो है जुड़िए घटाइए और आंसर पाइए। तो जो है ना जैसे 96 हो गया, 98 में से 2 हो गया तो कितना हो गया 96, 96 से 4 जो है आंसर हो गया। उसी तरह इसका भी देखिए 99 का स्क्वायर जो है ना, 99 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो आप बोलिए कि ये तो 99 का स्क्वायर करने के लिए 100 के करीब में संख्या है, अब बोलिए कि 100 के करीब में संख्या है तो 100 का जो है ना बोलिए कितना कम है तो 1 कम है, तो 1 स्क्वायर 1 और 0 जो है ना शिफ्ट कर देंगे, और अब जो है ना आपको जितना कम है इसमें आप बोले थे घटाने के लिए, तो 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 98, 98 से 1 जो है ना 99 का स्क्वायर होता है। अब 77 पहले आइए 78 का स्क्वायर, तब देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है ना आपको 100 से आप देखिए इसमें 2 बात है, आप जो है ना 50 के बेस पर लेकर बना सकते हैं, जहां से आपको नजदीक पड़ता है वहां से लिख बनाइए, और 100 से भी आप जो है ना लेके बना सकते हैं, तो दोनों विधि से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो है ना हम देखते हैं कि 50 से देखेंगे तो आपको 28 है, इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपको जो है ना 32, कितना होगा आपको 32 हो जाएगा, नहीं 32 नहीं होगा 22 होगा, तो 22 हो जाएगा, तो आपको कौन सा जो है ना आसान पर है 50 से की जो है ना 100 से, तो बोलिए कि 22 हमको किसका याद है इस पर 22 का याद है कि 28 का स्क्वायर तक दोनों का याद है, तो सिंपल है दोनों का बना सकते हैं, हम 100 से लेके बना रहे हैं, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, तो 484 है तो 84 आप लिखिए, कैरी कितना बचना 4, कैरी कितना बचा 4, अब जितना जो है ना कम है जितना 100 से कम है उस संख्या पे आपको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 22 कम है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 56,
छप्पन अचार कितना जोगा कही आपको तो जोड़ना पर छप्पन अचार के ना 60 आपको कि 100 के करीब में लिए तो एक से गुना कीजिए और ना कीजिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जैसे 77 का स्क्वायर जो है ना करना है, तो 77 का स्क्वायर जो है करना है तब बोलिए कि कितना कम है 100 से, बोलिए कि 23 कम है, 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, तो 29 आप लिखिए और 5 जो है ना आप कैरी बच गया आपका। अब जितना कम है आपको इसमें घटाना पड़ेगा, 23 कम था तो 23 आप घटा दीजिए तो ये हो गया आपका ना 4, ये कितना हो गया जी 5, तो 54 और 54 5 कितना 59, जो है 77 का स्क्वायर कितना हुआ जो है ना 59,29 हुआ। तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मेट को देखकर हम स्क्वायर जो है ना निकाल सकते हैं। जैसे और भी देखते हैं कि आगे की संख्या जैसे 150, 200, 300, 400, 500, 1000 के करीब में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए तो देखिए जैसे हमको 107 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 107 का स्क्वायर तो बहुत आसान है। आप बोलिए कि 100 से सर करीब पड़ रहा है तो 100 से जाहिर सी बात है 100 के करीब में है तो बना सकते हैं। 100 से कितना ही ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, तो 60 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हुआ, कितना हुआ 49 हुआ। और जितना ज्यादा रहेगा उसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें 60 ज्यादा था 60 जोड़े तो कितना 114, यही आपका जो है आंसर होगा। कितना आसान है देखिए, 112 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 112 बोलिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 144 हुआ। तो 44 का जो है आपका कैरी कितना बच गया 1, तो इसमें जो है ना 100 में जो है कितना 100 से लिए तो 12 ज्यादा था आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 112 इसमें क्या बना आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, 112 कितना 124 का कैरी कितना आपने 101 था तो कितना है 125 आंसर हो गया। जैसे जो है ना और भी बना सकते हैं, 100 आपको जो है ना 26 को जो है स्क्वायर भी करना होगा तो उससे भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेम 100 के करीब में लीजिए, 100 का 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, तो 76 जो है ना लिख दिए आप इसमें जोड़िएगा 26, तो 26 दूना कितना होता है 52, 152 और उसके बाद में 6 100 कितना 58 आपका 158 जो है ना 158 76 क्या है आपका आंसर आ गया। उसी तरह से और आगे भी हम लेके बना सकते हैं, जैसे आपको बताते हैं कि 200 को 300 के करीब में और भी लेके बना सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए। तो जैसे हम लेते हैं कि 198 का स्क्वायर जो है ना आप किसी भी करीब में कितना भी संख्या के लेके आप बना सकते हैं, 198 के स्क्वायर यदि हमको करना पड़ेगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बोलिए कि किससे करीब में 200 के करीब में, तो 200 बोलिए कि 200 से कितना कम है तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4 होगा, आपको 0 शिफ्ट कर देना है, क्या आपको 0 शिफ्ट कर देना है। अब जितना कम होगा उतना तो आपको संख्या में घटाना ही पड़ेगा, तो 2 कम है तो कितना होगा 100 कितना 96 होगा, कितना होगा 196। आप देखिए सामने कितना से 200 मल्टीप्लाई करना है, कितना से 2 से गुना करना है, तो यहाँ 2 से लिखिए आप गुना करके लिख दीजिए 6 × 12 = 39 जो है ना आपका आंसर हो गया। तो उसी तरह से फास्ट जो ना और भी आ गया, जैसे 212 का जो है ना स्क्वायर निकल रहा हूँ तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलिए अगर 200 करीब में है, 200 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो 44 का लिखिएगा तो 44 हो गया। और जो ना जितना ज्यादा आपको जोड़ना पड़ेगा तो 12 इसमें आप जोड़िए तो कितना आएगा 200 कितना 24 आएगा, 224 में आपको 200 भी गुना करना है तो सिंपल है, कितना होगा 400 कितना 48 गुना कर दीजिएगा तो मन आंसर होगा। बहुत फास्ट और बहुत तेजी से हम जो ना 1 से लेकर 10,000 तक वर्ग जो है ना आसानी से निकाल सकते हैं, एक ही कंसेप्ट पर एक ही बेस पर निकाल सकते हैं। जैसे और भी आपको मन होगा कि और भी संख्या लेके बनाइए, तो और भी हम ले लेते हैं कि 300 जो है ना 300 जो है ना और ले लीजिए कि 378 का स्क्वायर जो है करना है, 300 कितना 78 का स्क्वायर करना है, तो बोलिए किसके करीब में है, तो बोलिए देखिए इसमें से 300 से जो है ना आप बोलिएगा 378, 300 से लेंगे तो 78 स्क्वायर याद नहीं है तो हम लेंगे कौन सी 350 को भी ले सकते हैं या 400, तो ज़्यादा आसान है 400 को ले लीजिएगा, तो आपको बोलिए कि कितना कम है 400 से, तो आप जो है ना बोलिए कि 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 होगा, तो 484 जो है 84 आप लिख दीजिए, 4 आपका तो कहीं में ही बचा। आप बोले कि जितना कम होगा उतना आपको संख्या में घटाना होगा, तो यहाँ पर कितना कम था 22 कम था,
यहाँ पर कितना कम था, 22 कम था, 22 आपको घटाना पड़ेगा, तो 3 जो है ना ये 5 हो गया, इतना 6 आपका जो है ना 356 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा तो 3 4 से वो करीब में लिए थे, 4 आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो आपको क्या गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए 4 से गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद में अपना कैरी जो है ना 4 बचेगा तो वो तब आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए 6 चौका 24 और 4 कितना हुआ 28, कैरी पहले ऐड कर दे रहा है, उसके बाद 5 चौका 20 और 2 22, 4 3 12 और 12 2 कितना 14, आपका जो ना 1,42,884 आपका आंसर होगा, 378 का स्क्वायर जो है ना। तो देख रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्या इसमें जो जहां से नजदीक पड़ेगा आप ले लीजिए, और उसके करीब में जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कीजिए, जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। संख्या में ज्यादा रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, संख्या में कम होगा तब वो घटाना पड़ेगा, यही कंसेप्ट है और बहुत आसान भी है। जैसे और भी थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा आगे कि इसके अलावा और सा आगे की संख्या कैसे लेके बनाएंगे तो आपको बताते हैं। तो इसको जो है ना मिटाते हैं और थोड़ा सा अलग से हटके इसी यही होगा लास्ट में, हम जो है ना देखेंगे कि 1,000 के करीब में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 10,000 के करीब में रहेगा। खैर ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादातर आपको पूछेगा ज्यादातर 1,000 10,000 या 10,000 20 के अंदर तक पूछा तो बहुत आसानी से जो है निकाल सकते हैं। इससे भी फास्ट करने का ऑप्शन से भी तरीका है, इससे भी फास्ट है। अब बताइए कि कौन सा फास्ट होगा, वो ऑप्शन से जो है ना सम ऑफ डिजिट जो है ना देखेंगे कभी जो ना वीडियो बनाया जाएगा तो।